हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियजनों, जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रियजनों। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है, अनंत काल का जीवन पिता ने हम सभी को दिया है, मुफ्त में दिया, गिफ्ट में दिया है मेरे प्रियजनों, ठीक है? इसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजनों। इस प्रार्थना को आपको पूरा सुनना है, लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना। प्रार्थना को काट पीट के नहीं सुनते हैं, ठीक है मेरे प्रियजनों? प्रार्थना है क्योंकि प्रार्थना के जरिए हम पिता से बात करते हैं, समस्या हम सभी से बात करता है प्रार्थना के जरिए ही, ठीक है मेरे प्रियजनों? यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो हमारे आंसुओं को पोछेगा, हमारी गरीबी को, हमारी तंगी को, हमारी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा मेरे प्रियजनों। बस हम सभी को विश्वास करने की आवश्यकताएँ हैं, क्योंकि परमेश्वर को कहता है विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है मेरे प्रियजनों। बस हम सभी को विश्वास करना है पूरे हृदय, पूरे मन से, पूरे प्राण से यीशु मसीह पे हम सभी को विश्वास करना है। हम सभी को यीशु मसीह पे विश्वास करने की आवश्यकताएँ हैं मेरे प्रियजनों। जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, उदासी में है, जबकि शादी नहीं हो रही है, अपने कर्ज को लेकर परेशान है, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताना है। उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएँ हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने हम सभी से जरा सोचो कितना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान दे दी मेरे प्रियजनों। उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा मेरे प्रियजनों। उसके मुख पर थूका गया, उसके शरीर पर 49 कोड़े लगवाए गए मेरे प्रियजनों। उन 49 कोड़ों के साथ उसका मांस तक खींच कर चलाता था। उसके मुख पर थूका गया मेरे प्रियजनों, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया मेरे प्रिय, गूद कर उसे सिर का पिलाया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई मेरे प्रियजनों। इतनी बेइज्जती, इतनी दुख, इतना पीड़ाएं, दर्द यीशु मसीह ने सिर्फ हम सभी के लिए लिया। जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारा परमेश्वर अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम दोषी ना ठहराए जाएं, हम सभी पापी ना ठहराए जाएं, ठीक है मेरे प्रियजनों? उस पिता का धन्यवाद दीजिए। और हमारा परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा मेरे प्रियजनों। वह जीवित परमेश्वर, हम सभी लोग जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरी इच्छाओं की, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या जरूरतें हैं, मैं जानता हूँ, मैं पूरा करूँगा। बस आपको विश्वास करना है। पिता बोलता है मेरे प्रियजनों, ऐसा आत्मा बोलता है। हम सभी को विश्वास करना है, विश्वास के साथ पिता को पुकारना। यीशु मसीह ने कहा है मैं तुझे संकट से, पहलियों से, महामारी की जाल से बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा मेरे प्रियजनों। मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में हर एक प्रकार के बंधन है, जादू टोना के बंधन है, हर रुकावट के बंधन है, सतानी बंधन है, जादू टोना के बंधन है आपके जीवन में। जब आपका कोई काम नहीं बन रहा, बिगड़ जाता है, तो आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है और उस शैतान को, दुष्ट को डांटना है और यीशु मसीह के पवित्र लहू का बाड़ा बांधना है, पवित्र लहू का छिड़काव करना है, यीशु मसीह के नाम से बाड़ा बांधना है और यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं का डांटना है। वे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आपके जीवन से भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियजनों। बस हम सभी को विश्वास करना है, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे, ठीक है? चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु जो आपने मेरे समीप सभी को पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, यीशु पापा, इसके लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु कितने
मनुष्यों के पिता, अन्य जाति लोगों के पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता, वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, जहाँ पे धनवान मौजूद है अभी भी पिता, वे उस आग में चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे पिता, जहाँ का धुआं युगांत उड़ता रहता है मेरे पिता, परमेश्वर पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का पिता नाम लेके बुलाया है, नाम लेके पुकारा, आपने कहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद कर बना लिया है मेरे पिता, मेरे प्रभु इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे पिता जो आपने हम सभी को माता के गर्भ से चुना है, रचा है, अपने हाथों से बनाया है पिता, आपने कहा है तू बहुत अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया है मेरे पिता, आपने कहा है मेरे पिता आपने हम सभी को अद्भुत और भयानक रीति से उत्पन्न किया है, बनाया है मेरे पिता, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास के साथ पिता, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, जो पिता बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे पड़े हैं पिता, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो अपनी खाट आंसू से भिगो रहे हैं पिता, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पिता, यीशु मसीह हम चाहते हैं पिता आपके दास होने के नाते मेरे पिता, इनके जीवन में यीशु मसीह हम आदेश देते हैं पिता, हर तरह की बीमारियां जाएं इनके शरीर से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं जाएं इनके जीवन से, हर एक बीमारी डालने वाली आत्माएं, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जाएं इनके जीवन से, वे भाग जाएं यीशु मसीह के नाम से, भाग जाएं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को पिता सुरक्षित रखा है पिता, आप तक पिता बीते दिनों से पिता आप सुरक्षित रखे हैं, जीवित रखे हैं प्रभु, इसके लिए पिता पर धन्यवाद करें, मेरे दम प्रार्थना करते प्रभु, जो मेरे परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी जो गरीब हैं पिता, पवित्र आत्मा जी जो गरीब हैं, लाचार हैं, जो कमाने नहीं, पवित्र आत्मा जी सच में पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं इन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो तंगी परेशानी में गरीबी में जूझ लिप्त हैं पिता, मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे पिता, यीशु पापा हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता, मेरे पिता की गरीबी को, तंगी को, परेशानी को यीशु मसीह आप दूर करें पिता, आप दूर करने वाले परमेश्वर ने पिता, मेरे प्रभु के घरों के ऊपर पिता आशीष उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर होने पाए, गरीबी दूर होने पाए पिता, ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने बन जाए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की होवा, आप सृष्टिकर्ता मालिक मेरे पिता प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके घर में पिता हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन, काला जादू के बंधन पिता, हर एक काम पिता बन नहीं पाता, टूट जाता है पिता, जो काम नहीं बनता इनका बिगड़ जाता है समस्या पिता, हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं बदरू चले इनके जीवन से जाए पिता, हर एक लड़ाई झगड़ा डालने वाली गंदी आत्माएं दुष्ट आत्माएं जाए इनके जीवन से, हर एक बीमारी डालने वाली आत्माएं जाए गंदी आत्माएं दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, वे जल जाए नष्ट हो जाए, हर एक कराधार के बंधन जल जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मेरे पिता आपके नाम से मांगते प्रभु, इनके जीवन में सुमसी आप चमत्कार कीजिए पिता, इनके जीवन में सुमसी आप बदलाव लाइए, इनके जीवन में सुमसी वो चेंजिंग लाइए, इनकी जीवन शैली बदलने पाए, लाइफ स्टाइल बदलने पाए, आप इनके जीवन में सुमसी बहुत बड़ा चमत्कार कीजिए, इनके जीवन में सुमसी आप मिराकल कीजिए पिता, पिता इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मांगते हैं, बहुत बड़ा चेंजिंग निर्माण लाते हैं इस मसीह के नाम से, मेरे पिता पवित्र आत्मा जी हर जन को छू लीजिए पिता, मेरे पिता प्रार्थना करते हैं महीनों के बच्चे नहीं होते पिता, जिन्हें बच्चे चाहिए, पुत्र पुत्रियां चाहिए इस मसीह आप इन्हें दीजिए पिता, जिस प्रकार से इस मसीह अपने सारा को बच्चे देते उम्र में पिता, उसी प्रकार से हम आदेश देते आपके दास होने के नाते पिता, बच्चे की आशीष आने पाए इस मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष आने पाए इस मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलगता प्रभु
हर दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा डराते धमकाते मेरे पिता, मेरे प्रभु हम चाहते हैं पिता, प्रभु आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आपका कलाम कहता है, कलाम में लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। मेरे पिता मुझे आशा है, विश्वास है प्रभु आपने प्राणों को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के समर्थी और मीठे पावन नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।